प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में न्यू बिल्डिंग ओपीडी पीआईसीयू इंसेफ्लाइटिस वर्ल्ड हीमोडायलिसिस यूनिट हृदय विभाग और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने मरीजों का हाल पूछते हुए जिला अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से मरीजों को मिलने वाली दवाओं और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और शुद्ध पेयजल। जनपद गोरखपुर का प्रभारी होने के नाते आज हमने जनता अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सबसे पहले हमें स्वच्छता पर ध्यान दिया। अस्पताल की स्वच्छता ठीक है, स्वच्छता से ही बीमारियां दूर होती हैं। अस्पताल के डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, व्यवहार से भी मरीज ठीक हुआ करते हैं। किसी मरीज ने डॉक्टर के व्यवहार के बारे में, डॉक्टर से दवा न देने के बारे में शिकायत नहीं किया। ऐसे मरीजों से बात हुई, मन को संतुष्टि हुई। इस दौरान सीडीओ अनुज कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, एडिशन सीएमओ डॉक्टर आईबी विश्वकर्मा, जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर बीके सुमन सहित जिला अस्पताल के अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, वैसे कोई चला जाए तो पहले जाओ क्या नाम है? कब से हो यहाँ? भैया मिल रही है? कोई और परेशानी तो नहीं? तुम्हारी भी यही स्थिति है, कब से हो तुम? दवा मिल रही है? डॉक्टर साहब देखते रोज को नाम से? अलग अलग क्या नाम है? क्या तकलीफ है? दवा मिल रही है? डॉक्टर साहब देख रहे हैं तुम्हारे मरीज को? ये क्यों होता है? सिर्फ यहाँ का हौस नहीं मालूम, लेकिन बच्चों में काफी है, तो पर डे ओपीडी में 10-12 मरीज ऐसे आ जाते हैं। पहले तो ये था नॉन वेज खाते उनको होता है, लेकिन एक चीज यही निकल के आई थी सब्जी उसके कब से, कब कब से है? क्या नाम है इसका? प्रशांत भाई। कितनी उम्र है? प्रशांत भाई। प्रशांत जी, पत्ता गोभी इससे दो से मतलब जो है पत्ता गोभी से पॉइंट करना स्कूल वाले ने किया प्रिंसिपल को, क्यों ना ले चलो कहीं यहाँ हो तो ऑडिटोरियम टाइप का कोई है ऐसा दिख रहा है उसमें क्या मतलब डायलिसिस में 10 बेड है सर।
हम नहीं है, नहीं है, कोई नहीं, कोई ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। नरेश कपिल पर आपका नरेंद्र है, नरेंद्र गुप्ता को क्या दिया है पर्चे? ये हम जैसे मान लीजिए पूछना चाहें आपसे, तो जैसे इस समय आप पे तो कुछ रहा नहीं रिकॉर्ड, आपने क्या किया? इस पर लिखा है ये उसको दवा रिएक्ट कर दी और उसने कल आपको शिकायत किया, आपके साथ उनको नुकसान हो गया, तो आप तभी तो देखोगे उसकी कौन सी दवा दी है, पर्चा उससे हो गया मिस। सब गांव के लोग हैं ना, ये गरीब लोग हैं, इनमें कोई पर्चे की कीमत नहीं होती, अब फ्री दवा आप दे रहे हो, तो दवा ये रिएक्ट कर गया है और रिएक्ट कर गया है तो फिर उसको नुकसान हुआ, अब फिर दोबारा आपके पास आएगा तो आप अंदाज से दवा दोगे कि कौन सी नहीं आता, आपके यहाँ लिखी हो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। इससे एक लाभ ये रहेगा कि आप तत्काल उस गरीब आदमी को दूसरी दवा बदल कर उसका स्वास्थ्य को लाभ देंगे, ठीक है? विकास सिंह, ये रजनीश राय है मॉर्निंग में मेरे स्टाफ नर्स, और मैं ऑलरेडी सिस्टर संगीता, और शाम को हंसराज आप लोग हस्ताक्षर करते हो क्या? जी हस्ताक्षर अपने मेट्रो ऑफिस में करते हैं और बायोमेट्रिक लगाते हैं दोनों। ठीक, बायोमेट्रिक सब लोग काम है यार। देखिए, योगी सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल। जनपद गोरखपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते आज हमने इस जनता अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में सबसे पहले हमने स्वच्छता पर ध्यान दिया। अस्पताल की स्वच्छता ठीक है, स्वच्छता से ही बीमारियां दूर होती हैं। और एक बात और देखने में आई
जनपद गोरखपुर के मुख्यालय अस्पताल का डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, व्यवहार से ही मरीज ठीक हुआ करते हैं। किसी मरीज ने डॉक्टर के व्यवहार के बारे में, डॉक्टर की दवा देने के बारे में शिकायत नहीं की, सभी ने बताया। और गरीब मरीजों को मैंने देखा, तन लटे कपड़े फटे मरीजों को एडमिट मैंने देखा, तो ऐसे मरीजों से जब बात हुई मन को संतुष्टि हुई कि हाँ अस्पताल के डॉक्टर पूरा ध्यान दे रहे हैं। सरकार की जो मान्यता है, सरकार का जो दृष्टिकोण है कि हरे का स्वास्थ्य अच्छा हो, सब स्वच्छ रहकर अपना काम ठीक ठाक करें, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है, इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर और बड़े उसके पदाधिकारी अधिकारियों से, सीएमओ डिप्टी सीएमओ थे और एक सीनियर डॉक्टर, क्या नाम आपका, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर के गुप्ता जी मेरे साथ रहे, सारा निरीक्षण किया गया। और यहाँ डायलिसिस और बाकी ये जो हाँ ये सारा सिस्टम इतना अच्छा है, जो अस्पतालों में 3-4 हज़ार रुपए प्राइवेट खर्च होते हैं, हमारे अस्पताल में फ्री किया जा रहा है, डायलिसिस फ्री किया जा रहा है।